रिसेंटली दोस्तों टीवीएस टू व्हीलर कंपनी ने कंपनी का न्यू 125 सीसी बाइक टीवीएस रेडर बाइक में कुछ न्यू अपडेट एंड चेंजेस किया है, जो कि 2022 की अक्टूबर महीने में इस बाइक को अपडेट करके रिलॉन्च किया गया है। दोस्तों बाइक में काफ़ी सारे टेक्निकल अपडेट एंड चेंजेस किया गया है और इसी के साथ साथ बाइक का जो प्राइस है उसको भी काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज कर दिया गया है। तो दोस्तों यहाँ पर अगर बात की जाए बाइक की न्यू अपडेट एंड चेंजेस की, तो जैसे कि आप लोग जानते हैं इस बाइक की मीटर कंसोल काफ़ी अच्छा देखने को मिलता है। बाइक में आपको फुल डिजिटल कलरफुल नेगेटिव मीटर कंसोल देखने को मिलता था, लेकिन दोस्तों यहाँ पर कोई भी कनेक्टिविटी का फीचर्स नहीं देखने को मिलता था, कोई भी एडवांस फीचर्स नहीं दिया गया था। 2022 की अक्टूबर महीने से इस मीटर कंसोल को पूरी तरीके से यहाँ पर हटा दिया गया है, मेन अपडेट किया गया है इस बाइक की मीटर कंसोल में। बाइक की न्यू मीटर कंसोल में अभी आपको टीवीएस टू व्हीलर कंपनी का स्मार्ट एक्स कनेक्ट का फीचर्स भी देखने को मिलेगा। बाइक में अभी आपको ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के साथ साथ और भी काफ़ी सारे एडवांस फीचर्स को ऐड कर दिया गया है। तो दोस्तों यहाँ पर अगर डिटेल में बात की जाए इस बाइक की मीटर कंसोल के बारे में, तो 2022 की इस मॉडल में आपको टीवीएस कंपनी का स्मार्ट एक्स कनेक्ट का फीचर्स को ऐड कर दिया गया है, जहाँ पर आपको ब्लूटूथ कनेक्टिविटी का फीचर्स देखने को मिल जाता है और इसी के साथ साथ आपकी मोबाइल फ़ोन को भी कनेक्ट कर सकते हैं इस बाइक की मीटर कंसोल के साथ एप्लीकेशन के द्वारा। यहाँ पर दोस्तों काफ़ी सारे एडवांस फीचर्स को आप एक्सेस कर सकते हैं, जैसे कि वॉइस असिस्टेंट जैसा फीचर्स, इनकमिंग कॉलिंग का फीचर्स, यानी कि आपकी मोबाइल में अगर फ़ोन आता है तो इस बाइक की मीटर कंसोल में आप रिसीव कर सकते हैं, जिसके लिए बाइक की हैंडल बार में डेडिकेटेड बटन दिया गया है। दोस्तों बाइक की मीटर कंसोल में आपको म्यूजिक प्लेयर का ऑप्शन भी देखने को मिल जाता है। इसके साथ साथ बाइक में आपको दो राइडिंग मोड्स भी देखने को मिल जाता है, इको एंड पावर राइडिंग मोड। इसके अलावा दोस्तों बाइक की मीटर कंसोल में आप काफी सारे बेसिक एंड एडवांस नोटिफिकेशन को आप देख सकते हैं, जैसे कि ऑटो नेविगेशन, गियर पोजिशन इंडिकेटर, टॉप स्पीड रिकॉर्डर, माइलेज इंडिकेटर और भी काफी सारे एडवांस नोटिफिकेशन। यहाँ पर दोस्तों इस मॉडल की खासियत की अगर बात की जाए तो इस बाइक की मीटर कंसोल IP67 के वाटरप्रूफ है, जो कि आपको वेदर अपडेट का भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाता है। यहाँ पर दोस्तों अगर बात की जाए बाइक की बॉडी डिज़ाइन एंड लुक्स की, तो लुक्स एंड बॉडी डिज़ाइन यहाँ पर सेम देखने को मिलता है बेस मॉडल की तरह ही। सिर्फ इस मॉडल में आपको स्मार्ट एक्स कनेक्ट का बैच देखने को मिल जाता है बाइक की ऑयल टैंक में। दोस्तों बाइक में इंजन की अगर बात की जाए तो इंजन में भी कोई चेंजेस नहीं किया गया है। बाइक में आपको 125 सीसी एयर ऑयल कूल 3 वेल्व फ्यूल इंजेक्शन इंजन देखने को मिलता है, जो कि आपको 8.37 kW पावर एंड 11.2 Nm टॉर्क प्रोवाइड करवाता है। बाइक में आपको 5-स्पीड मैनुअल गियर ट्रांसमिशन का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। माइलेज की अगर बात की जाए तो ये बाइक 67 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज प्रोवाइड करवाता है। इसके साथ साथ बाइक में आपको 99 km/h का मैक्सिमम स्पीड देखने को मिल जाता है। अब दोस्तों यहाँ पर अगर बात की जाए बाइक की प्राइस के बारे में, तो TVS Raider Smart X Connect का प्राइस काफ़ी ज़्यादा हाई है TVS Raider बेस मॉडल के मुकाबले। इस बाइक का न्यू एक शोरूम प्राइस है 99,999 rupees। दोस्तों बाइक में आपको और भी दो वेरिएंट देखने को मिल जाता है, TVS Raider डिस्क एंड ड्रम, जिनका प्राइस आप लोगों को स्क्रीन में दिखाई दे रहा होगा। दोस्तों कंपनी के वेबसाइट के मुताबिक इस बाइक का जो ड्रम वेरिएंट है उसको डिसकंटिन्यू कर दिया गया है। तो दोस्तों TVS Raider की इस अपडेट के बारे में आप लोगों को कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर बताइए, और चैनल में नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा।